रेशमी सलवार कुर्ता जाले का रूप कहाँ नहीं जाए नकदे आज तो जाते बन आई है अल्लाह दुहाई है दुहाई है। आइए दोस्तों बात करते हैं 50 के दशक की अभिनेत्री मीनू मुमताज की। पूरी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना ये तो नैना लड़ाने की रात। इनका जन्म 26 अप्रैल 1942 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता मुमताज अली एक फिल्म निर्देशक थे। इनका बचपन का नाम मलिकू निशा अली था। ये 8 भाई बहन थे। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद अली इनके बड़े भाई थे। मीनू छोटी सी उम्र में अपने पिता के साथ अलग अलग शहरों में जाकर लाइव स्टेज शो करने लगी थी, जिससे ये नृत्य कला में निपुण हो गई थी। धीरे धीरे इनके पिता को शराब पीने की लत लग गई। एक समय ऐसा आया जब इनके पिता शराब पिए बिना कुछ कर ही नहीं पाते थे। बड़ा परिवार होने की वजह से घर की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। दामन बचा के जाए देखो जी देखो मिठी। घर के बर्तन और दूसरे सामान बेचने के बावजूद नौबत यहाँ तक आ गई थी कि आधे सदस्यों को भूखा सोना पड़ता था। ऐसे में मीनू ने सोचा कि स्टेज प्रोग्राम के साथ साथ अगर वह फिल्मों में भी काम करे तो घर की हालत में कुछ सुधार हो सकता है। मीनू को सबसे पहले फिल्मों में काम देविका रानी ने दिया था। देविका रानी ने इनको बॉम्बे टॉकीज में नृत्यांगना के तौर पर रख लिया था। इनकी सबसे पहली फिल्म साल 1955 की घर घर दिवाली थी, जिसमें मीनू ने गांव में रहने वाली एक नृत्यांगना की भूमिका निभाई थी। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू रे। इनका नाम मलिकू निशा से बदलकर मीनू मुमताज प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी ने रखा था। मीना कुमारी रिश्ते में इनकी भाभी थी। मीना कुमारी की छोटी बहन की शादी इनके भाई महमूद से हुई थी। फिल्म जगत में इनकी पहचान साल 1956 की फिल्म CID के गाने बूझ मेरा क्या नाम रे से मिली थी। मीनू ने साल 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज में अपने छोटे भाई महमूद की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी, जिसके चलते इनकी जमकर आलोचना हुई थी। ज्यादातर फिल्मों में ये डांसर कॉमेडियन और छोटी मोटी सहायक भूमिकाओं में नजर आई थी। अपने पूरे फिल्मी करियर में इन्होंने हावड़ा ब्रिज, ब्लैक कैट, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साई बीवी और गुलाम, यहूदी, ताजमहल, घूंघट, घराना, इंसान जाग उठा, गजल, जहांआरा, नया दौर, जमीर और पत्तों की बाजी जैसी 60 के करीब फिल्मों में अभिनय किया था। मेरी निकली रे किस्मत छोटी के हाय मैं तो मर गई रे सड़ गई रे ये किसके पल्लू दिल मेरा लौटा दे अंग्रेजी साहिब जादे मेरी तौबा नफरत से मुझे लोग कहें मैं बावरी
जब चाहे मिटा डाले। साल 1986 की फिल्म पत्तों की बाजी इनकी आखिरी फिल्म थी। हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। मुझे देख नहीं हर जाए, मेरी टूट गई लड़ाई, मेरा छोड़ के जाने पीछा। मीनू ने साल 1963 में फिल्म निर्देशक एस अली अकबर से शादी की थी। बहुत उनसे प्यारा रहा है सबा। मीनू मुमताज ने 3 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया था। जीवन के अंतिम दिनों में ये कनाडा रही थी। 23 अक्टूबर 2021 को 79 साल की उम्र में कनाडा में इनका निधन हो गया था। लगा भी नहीं है कि तेरी जिंदगी का है ये आंखों जैसा।